कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मंडी परिषद द्वारा 2288 फल सब्जी ठेला विक्रेताओं के पास को जारी किया गया है। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न जनपदों में सब्जी विक्रेता के कोरोना संक्रमण के फैलने की घटनाओं को देखते हुए महानगर में भी सब्जी विक्रेताओं की थर्मल स्कैनिंग कराई गई है, उनको पास जारी किया गया है। अभी तक 2288 सब्जी फल ठेला विक्रेताओं की जांच करके उनका कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, ग्लव्स, टोपी और सुरक्षात्मक उपकरण दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने लोगों से अपील किया है कि पास होल्डर ठेले से ही फल और सब्जी खरीदें। जिन सब्जी विक्रेताओं के पास जारी नहीं हो पाए हैं वह लोग मंडी परिषद में जाकर अपना थर्मल स्कैनिंग कराकर पास प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए मंडी में हमने पूरे गोरखपुर शहर में जितने भी ठेले वाले सब्जी या फल लगा रहे थे सबकी थर्मल स्कैनिंग करा ली है और उसके बाद उनका एक डेटाबेस तैयार करा लिया। तो ऐसे 2288 ठेले वाले निकले जो सब्जी या फल बेच रहे थे, तो उन सभी का पास जारी कर दिया गया है मंडी समिति की तरफ से। इस पास के साथ उनको एक किट भी दी गई है, जिस किट में उनको बेसिकली मास्क दिया गया है, उसमें उनको टोपी दी गई है, ग्लव्स दिए गए हैं, साथ में एक साबुन दिया गया है, साबुन टिकिया दी गई है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो उनको बचाव की किट है, उनको यूज़ करने के लिए कहा गया है। इस सभी साथ ये सभी सब्जी वाले जो होंगे इन सभी को चूँकि इनकी थर्मल स्कैनिंग हो चुकी है और ये इनके अंदर कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं तो इनको बेचने के लिए ऑथराइज़ किया गया है। तो इनको पास जारी करने से हमें ये फ़ायदा ये होगा कि जो रेट हम सुबह डिसाइड करते हैं, सुबह 5 बजे करीब हमारा रेट डिसाइड होता है, ये सब्जी वाले ठेले वाले उसी रेट पर सब्जी बेचेंगे। इसके अलावा घर घर जाके सब्जी बेचेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और इनकी पहचान ये होगी कि ये मास्क लगाए रहेंगे और टोपी पहने रहेंगे और साथ से ग्लव्स भी लगाए रहेंगे। जनता से मेरी अपील यही है कि ऐसे ही सब्जी वाले जिनको जिला प्रशासन ने पास दिया है और जो मास्क, ग्लव्स और टोपी लगा के सब्जी बेच रहे हैं उनसे ही सब्जी लें और पास जरूर देख लें, क्योंकि जिन भी सब्जी वालों को पास जारी हुआ उनकी थर्मल स्कैनिंग करा दी गई है और वो लोग उनके अंदर कोई लक्षण इस बीमारी का नहीं पाए गए हैं। हम जनता से ये अपील इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि कई और ज़िलों में सब्जी वालों के थ्रू ऐसा संक्रमण फैला है, इसीलिए हमने गोरखपुर शहर के जो भी सब्जी वाले हैं जो भी मिले थे सबकी स्क्रीनिंग उन्हें करा दी है और सबसे अपेक्षा ये की जाती है कि उन्हें सब्जी लिया जाए। देखिए इसके अलावा जो लोग भी बच रहे हैं, जो ऐसे सब्जियां फलवा रहे हैं जो किसी कारणवश जिनका पास जारी नहीं हो पाया है, तो वो मंडी समिति में संपर्क कर सकते हैं। उनकी पहले थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी और ये देखा जाएगा कि वो फिट हैं कि नहीं। अगर वो फिट होंगे तो उनको सब्जी या फल बेचने के लिए पास जारी कर दिया जाएगा।